जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा गांव क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व दो अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराव में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराव पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उप अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराव से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति उन्होंने ही दी थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में दो भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंडरेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को रोका जाता था। उप कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडो की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई जिसके चलते घटना घटी और कई जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंडरेजर रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंडरेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार
जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। सर इसके बाद से क्या कुछ रिकवरी हुई है, पहला सवाल। राजनीतिक दल